नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि लोगों को कैसे हम लोग ग्रुप करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लोगो डिज़ाइन करते हैं, लोगो बना लेते हैं, लेकिन उसे एक साथ ग्रुप करने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पूरा का पूरा अगर लोगो आपने बना लिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो उसे कैसे ग्रुप करेंगे। फिलहाल देखिए, ये एक लोगो आपको दिख रहा होगा और ये मैं इसे थोड़ा सा बाहर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए, ये अलग अलग पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, सब अलग अलग पार्ट है। इसे मैंने ग्रुप नहीं किया है अभी। अब मैं इसे ग्रुप करके आपको दिखाऊँगा कैसे ग्रुप करते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं ये जो लोगो डिज़ाइन किया है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के अंदर ये वाला लोगो मैंने डिज़ाइन किया है। अब जब हम लोग क्या करते हैं, जब इसे ग्रुप करना होता है किसी भी लोगो को, तो होता क्या है, जैसे ये जो ज्ञान शिशु विद्यालय जो लिखा हुआ, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये तो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये आउटलाइन को, तो क्या होता है, देखिए आउटलाइन सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन ये जो टेक्स्ट जो हिंदी में लिखा हुआ है वो सिलेक्शन हट गया। तो एक सिलेक्शन को सारे जितने हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका शेप है, सबको एक साथ सिलेक्शन करना होगा, उसके बाद ही हम ग्रुप कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ये आउटलाइन जो है उस पर क्लिक करेंगे। ये आउटलाइन सिलेक्ट हो गया। अब ये आपको डॉट डॉट यहाँ पे आपको दो सर्कल यहाँ ऊपर नीचे आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब ये आउटलाइन पूरा सिलेक्ट हो गया। अब इसके साथ साथ मुझे ये वाला भी सिलेक्ट करना है जो लिखा हुआ है ज्ञान शिशु विद्यालय। तो क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल और माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देख लीजिए, यहाँ पे कंट्रोल प्लस माउस लेफ्ट क्लिक। इससे क्या होगा, जो पहला सिलेक्शन है उसके साथ साथ जो दूसरा क्लिक करेंगे हम लोग, जो दूसरा सिलेक्ट करेंगे वो भी साथ में सिलेक्ट हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, कंट्रोल प्लस माउस लेफ्ट क्लिक। देखिए यहाँ पे ये जो पहला मैंने सिलेक्ट किया, आउटलाइन को सिलेक्ट किया, अब ये जो ज्ञान शिशु विद्यालय है इस पर मैंने माउस पॉइंटर रखा और कंट्रोल प्रेस करूँगा और माउस का लेफ़्ट क्लिक करूँगा। जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, आपको देखिए वहाँ पे छोटा सा एरो दिखाई दे रहा होगा, प्लस का साइन दिखाई देगा। इसका मतलब पहला सिलेक्शन के साथ साथ दूसरा वाला भी सिलेक्ट हो गया। अब देखिए, दो सिलेक्ट हो गया, आउटलाइन भी सिलेक्ट हो गया, प्लस ये जो लिखा हुआ ये भी सिलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे ये स्टार आपको दिख रहा है, अब इसे भी सिलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, अगेन कंट्रोल प्रेस करेंगे और माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे, प्लस का साइन आएगा, ये भी देखिए साथ में इसके साथ सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ भी देखिए स्टार का शेप दिया हुआ है, कंट्रोल प्रेस करेंगे, माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे, ये भी देखिए ये भी साथ में सिलेक्ट हो गया। अब नीचे जो ये एड्रेस लिखा हुआ है इसको भी हमें सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्रेस कीजिए और माउस का पहले कंट्रोल प्रेस करना होगा, उसके प्लस का साइन आएगा, छोटा सा आपको एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा होगा, और माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिए। अब देखिए ये पोर्शन भी सिलेक्ट हो गया, सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। अब ये जो अंदर का पोर्शन है, ये जो शेप है अंदर में जो बुक है ये है, तो इसके आउटलाइन पे मैं जैसे ही माउस पॉइंटर रखूँगा उसके बाद कंट्रोल प्रेस करूँगा और माउस का लेफ्ट क्लिक करूँगा, ये भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अगेन जो ये नीचे पोर्शन है इसको भी कंट्रोल प्रेस करूँगा, ये जो बॉक्स स्क्वायर बॉक्स है जिसमें स्थापना लिखा हुआ है, यहाँ पे भी माउस कंट्रोल प्रेस करके माउस का लेफ्ट क्लिक कर दिया, ये भी सिलेक्ट हो गया। अब देखिए सारा का सारा जो भी जितना लोगों के अंदर ये टेक्स्ट प्लस ये आपका सर्कल प्लस ये आपका ये वाला शेप प्लस ये वाला शेप नीचे का टेक्स्ट, ये सारा का सारा देखिए सिलेक्शन हो गया। आपको छोटे छोटे बिंदु और स्क्वायर में आपको सिलेक्शन पता चल रहा होगा। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग ग्रुप करेंगे, एक साथ सबको ग्रुप करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे ऊपर, देखिए अलग अलग टैब्स आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, देखिएगा एक कॉर्नर पोर्शन में अरेंज का ग्रुप, अरेंज का इस तरह का ग्रुप दिखाई देगा, मतलब नीचे अरेंज लिखा हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ वहाँ देखिएगा ग्रुप ऑप्शन है, अलाइन एंड ग्रुप, उसके डाउन बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए ग्रुप लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, अब हम लोग इस, देखिए अब लोगों को मैं उठाकर ले जा रहा हूँ। देखिए देखिए पूरा का पूरा लोगो देखिए एक साथ मूव हो रहा, देख सकते हैं, इसे मैंने ग्रुप कर दिया, एक साथ हो गया, देख सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा लोगो एक साथ मूव हो रहा, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए मूव हो रहा। अब इसे अनग्रुप करना है तो सिंपल है, अगेन इसके आउटलाइन पे कहीं भी क्लिक कर दीजिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद फॉर्मेट में जाइए, उसके बाद इसे अगेन अरेंज का ग्रुप में जाइए, ग्रुप वाला में यहाँ पर देखिए अनग्रुप दिया हुआ, अनग्रुप कर दीजिए। देखिए अब सब अलग अलग हो गया, देखिए ये अलग हो गया,
ये अलग हो गया, देख सकते हैं ये देखिए ये भी अलग हो गया, ये अनग्रुप करने का तरीका मैंने बताया। तो इस तरह हम लोग ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं एक साथ करने में, सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ये जो लिखावट है इस तरह राउंडेड लिखा हो इस पर क्लिक करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहला ये सिलेक्ट हो गया, अब ये आउटलाइन को सिलेक्ट करना है तो वहाँ माउस पॉइंटर रखना है, कंट्रोल प्रेस करना है और माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है। तो इसके साथ साथ आउटलाइन भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब शेप को भी हमको साथ में सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस कीजिए, माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिए, ये सिलेक्ट हो गया। फिर कंट्रोल प्रेस कीजिए, माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिए, ये भी सिलेक्ट हो गया। अब नीचे जो लिखा है कंट्रोल प्रेस कीजिए, माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद ये जो अलग पोर्शन में ये शेप दिखाई दे, कंट्रोल प्रेस कीजिए, माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिए। उसके बाद ये जो बॉक्स ये वाला ये जितना है सब सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हो जाने के बाद फॉर्मेट में जाइए, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे अरेंज का ग्रुप दिख रहा है, नीचे अरेंज लिखा है, यहाँ पे ग्रुप में जाइए, इसे ग्रुप कर दीजिए। देखिए अब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे ये ठीक से नहीं हुआ। तो इसे थोड़ा सा हम लोग इसे फिर से पीछे जाते हैं, इसका मतलब ये वाला पोर्शन मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखिए ये वाला कुछ प्रॉब्लम हो गया है। इसे हम लोग फिर बैक में जाते हैं, इसे हम लोग फिर पीछे जाते हैं। अब देखिए फिर से करके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर दिया, कंट्रोल प्रेस किया, इसको मैं क्लिक कर दिया, ये भी साथ में हो गया। फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ ग्रुप है, इसे रीग्रुप में क्लिक कर दिया। अब इसे मूव करके देखते हैं, देखिए सारा का सारा एक साथ ग्रुप हो गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, एक एक करके आपको क्लिक करना है एक एक पोर्शन को। जैसे ये आउटलाइन को आपने पहले सिलेक्ट कर दिया, फिर दूसरे को आपको कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करना है, उसके बाद फॉर्मेट में जाके सबको ग्रुप कर देना है। यहाँ पर देखिए मैंने फिलहाल लिख रखा है कंट्रोल प्लस माउस का लेफ्ट क्लिक, पहला बार आपको क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके रखना है, उसके बाद माउस क्लिक माउस लेफ्ट क्लिक करते जाना है, तो बाकी भी साथ में सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनली साथ में आपको ग्रुप ऑप्शन के माध्यम से एक साथ पूरा लोगो को आप ग्रुप कर सकते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।